स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। I need to get this fixed. Ab kya? जब आपको हमेशा पता चल ही जाता है कि मैं आई हूं, तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहां पे क्यों आई हूं। तुम अगर ये सोचकर आई हो कि तुम देव के बारे में मेरे ओपिनियन बदल दोगे तो तुम गलत हो। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि आप भी किसी बात पे गलत हो सकते हैं? Look, I know ये कॉन्वर्सेशन कहां जा रही है। उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने उसूल प्रिंसिपल्स किसी के लिए बदलूंगा नहीं। माफ कीजिएगा, पर जब ये उसूल अपनों की खुशियों के रास्ते में आने लगे तो ये उसूल नहीं, जिद कहलाते हैं। तुम्हारे हिसाब से मैं गलत हूं? क्या आपके लिए खून, खानदान, सरनेम ही सब कुछ है? कोई कितना भी अच्छा क्यों ना, सच्चा क्यों ना हो, अगर उसके पास बड़े खानदान का नाम नहीं है तो क्या आप उसे रिश्ता जोड़ने के काबिल नहीं समझेंगे? जिसके पास बड़े खानदान का नाम ना हो, क्या उसे सपने देखने का या प्यार करने का कोई हक नहीं है? बताइए ना। ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती है, दुनिया में नहीं। मैं असल दुनिया में रहता हूं जहां खून, खानदान, लीनियज की कीमत होती है। एक रेस में घोड़ा भी वही दौड़ता है जिसकी नस्ल अच्छी हो। कोई इंसान कैसा है उसकी परवरिश मां बाप खानदान पर डिपेंड करता है। सरनेम सिर्फ लेबल या ब्रांड नेम नहीं होते, उसे एक इंसान की उसके कैरेक्टर की पहचान होती है। देव कितना भी अच्छा हो, खानदानी नहीं है उसे रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। रिंकू मेरी बहन है, मैं उसकी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं करा सकता जो नाजायज है। उसके खून में खराबी है। कम से कम एक बार प्रियंका को उससे बात तो करने दीजिए। एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाया तो एक दूसरे को अलविदा कहने का मौका तो मिलना ही चाहिए। नो, पर वो सिर्फ उससे एक बार बात करना चाहता है। ये मेरा फैमिली मैटर है, इसमें बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं सिर्फ प्रियंका के दोस्त के हैसियत से बात कर रही हूं। और मैं प्रियंका के भाई की हैसियत से बात कर रहा हूं।
रुद्र, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था ना प्रियंका के साथ। रिंकू के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड है अनिका दीदी, वो कोशिश कर रही है उसकी हेल्प करने की। मैं यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए आया। बेस्ट फ्रेंड? मैं रुद्र, हम अच्छे से दोस्त भी नहीं बने। मेरे लिए दोस्ती में कोई स्टेजेस नहीं होती है सौम्या। एक बार किसी को दोस्त मान लिया तो मान लिया, ट्रस्ट कर लिया तो कर लिया, फिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता। और ये बात पता है मैंने किससे सीखी है? लव एंजल्स। एक्चुअली हाय रियान, क्या कर रहा है? I thought कि तुम मुझसे मिलना चाहती। What? मैं? अब देखो, मैं चाहता था कि तुम लोग एक बार मिलके बात कर लो यार। रिंकू की तो मैं हेल्प कर नहीं पाया, मैंने सोचा कि तुम दोनों को मिलवा देता हूँ। प्रियंका, मैंने बात करने की कोशिश की। मैं बस प्रियंका से बात करने आया हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सौम्या प्लीज, बात करने से ही बात सॉल्व होती है। तुम दोनों का आपस में जो भी मैटर है एक बार बात करके सॉर्ट आउट कर लो। सुमो प्लीज बोलो। अच्छा देखो सौम्या, अगर तुम बात नहीं करोगे तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। रियान, तुमने क्यों बैडली बिहेव किया इसके साथ? उसकी लाइफ से डिसअपीयर हो गए। अरे बिना पूछे तो कोई क्लासरूम से बाहर नहीं जाता, तुम उसकी लाइफ से बाहर हो गए। लेट बी रुद्र, लेट्स गो। नहीं सौम्या रुको यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो रियान। आई एम सॉरी सौम्या, पर हमारी वाइफ मैच नहीं करती और मुझे लगा हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं। मैं जानता हूँ हमारे बीच कनेक्शन है, इसीलिए मैं एक बार आकर सारी बातें क्लियर करना चाहता था। मुझे पता है, पर तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर शिवाय सिंह ओब्रॉय ने तुम्हें देख लिया ना तो रायता फैल जाएगा। चलो यहाँ से। अनिका एक मिनट, मैं कल एले जा रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो शायद मैं प्रियंका से फिर कभी बात नहीं कर पाऊंगा। अनिका, इसने सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इतना रिस्क लिया है, इसने बाहर से कॉल किया तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। ऐसे अंदर ले आए। क्या तू इसे अंदर लेके आई है प्रियंका? देव, अभी इसके भैया बहुत नाराज है, जब उनका मूड ठीक हो जाएगा तो तुम उनकी परमिशन लेके इससे मिल लेना। ऐसे बिना बताए मिलना ठीक नहीं है। प्रियंका, मैं जानती हूँ कि तू इससे बात करना चाहती है, लेकिन भैया के परमिशन के बगैर नहीं। और कोई भी नया रिश्ता पुराने रिश्ते को धोखा देके नहीं बनाया जाता। देव प्लीज चलो। अनिका एक मिनट, I'm very sorry प्रियंका, बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। I'm sorry देव, पर अभी ये सब का टाइम नहीं है, जल्दी चलो प्लीज। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि बिना किसी रियल कनेक्शन के हम आगे बढ़े जा रहे थे। तुम्हें याद है जैसे ही हमने डेट करना शुरू किया तो मेरी कैट खो गई। याद है जिस दिन हम मूवी देखने गए थे वैलेंटाइंस डे पर, तो मेरी कार चोरी हो गई। तो मैं तुम कैसे भूल सकती है? तुम्हारे साथ भी तो सब गलत हो रहा था। तुम्हें याद है जिस दिन हम जू गए थे तो तुम्हें अस्थमा अटैक हो गया था, और जिस दिन हमने फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी तो तुम्हारा फोन खो गया, और अब जब हम मिले तो रिश्ता ही टूट गया। हमारी कितनी इंसल्ट हुई तुम्हें पता है? मैं और तुम साथ में सिर्फ डिजास्टर है और कुछ नहीं। सीरियसली, ये तुम्हारी चॉइस थी? जब पहली बार इसके साथ जू गई थी ना, इसको वहां पे ही छोड़ के आ जाना चाहिए। Thank you.
मोनिका से कहा था ये दोनों मिल नहीं सकते, तुम इसे अंदर लेकर क्यों आई? हाउ डेयर यू? नीरू जी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मेरी फैमिली इस रिश्ते को मना कर चुकी है तो तुम बीच में दखल देने वाली कौन होती हो? रिंकू मेरी बहन है, शी इज माई फैमिली, और मैंने तुमसे कहा था फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। आई एम प्लीज चुप हो जा। देव जाओ यहां से। शिवाई भैया जस्ट लीव। तुम जानती थी मैं नहीं चाहता था कि प्रिंकू उस लड़के से मिले, फिर भी तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? या इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है, वो मैं उसे। प्रिंकू चुप, तू हमेशा इसे डिफेंड करती है और ये कुछ नया करती है। शिवाय क्या हुआ? होम जस्ट जिस काम के लिए इसे मना करता हूं इसने वही काम करने की कसम खाई। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम देव को इस घर में लेकर आई, हां या ना? आई वांट टू हियर यू, जवाब दो। और प्रिंकू कभी खुद उसे बुलाएगी नहीं, क्योंकि वो जानती है अगर उसने ऐसा किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने कहा जवाब दो। मैं ही उसे लाई थी। से सिर्फ दो मिनट बात करना चाहता था। उसका मेरी बहन से बात करना तो दूर, उसकी ओर देखने तक की औकात नहीं है। है कौन वो? एक खानदानी आदमी की गलती, एक नाजायज औलाद। He's a bloody cheat. He's a liar. उससे इतना नाराज क्यों है? योगी, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम कभी समझ नहीं सकती कि एक ऊंचा खानदान क्या होता है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके कंसर्न्स क्या होता। यू विल नेवर गेट इट। बिल्लू पहले उसकी बात सुन लो। दादी आज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने इसे हमेशा डिफेंड किया, इसकी तरफदारी की, जब इस फैमिली ने
इसे इतनी इज्जत दी, इसे भी समझना होगा कि इस फैमिली के रूल्स की इज्जत करे। एज अ फैमिली अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो किस हक से इसने देव को प्रिंकू से मिलने दिया। शिवाय देव जा चुका है, इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट लीव इट। नहीं हो, इसे समझना होगा कि दुनिया में सबके खून का रंग एक, लेकिन रंग एक हो जाने से खून की कीमत एक नहीं हो जाती। एक खानदानी आदमी और सड़क छाप आदमी के बीच में फर्क था, है और रहेगा। मुझे खानदान वालों और यतीम सड़क छाप लोगों के बीच में एक लकीर थी, है और रहेगी। लेकिन तुम ये बात नहीं समझो क्योंकि तुम इस लकीर की दूसरी तरफ खड़ी हो और मैं किसी को इस लकीर को पार करने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। I called you family, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम सच में मेरी फैमिली का हिस्सा हो। यह तुम्हारी शराफत है कि हमने तुम जैसी लड़की को भी इस घर में इज्जत दी, आने जाने घुलने मिलने की इजाजत दी। हमारे साथ रहने से तुम हम जैसी नहीं हो जाती। You're not us. और आज तुमने साबित कर दिया हमारे स्टेटस, हमारी क्लास, हमारी सोच में कितना फर्क। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं अपने साथ बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरी बहन की जिंदगी या घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकालता हूं। You are fired. बिना मांगे एक सलाह दे रही, नीचे देख के चला कीजिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी गिरी हुई सोच मिल जाएगी। मुझे ये तो पता था कि आप बड़े ऊंचे खानदान के, मुझे ये नहीं पता था कि इस ऊंचे खानदान वाले की सोच इतनी गिरी हुई है। मुझे आज पता चला। मैं आपको स्टोन सिंह ओब्रॉय बुलाती थी, पर मैं गलत थी, आप पत्थर नहीं है। एक बार को तो पत्थर भी पिघल सकता है, लेकिन आप कभी नहीं पिघल सकते। और क्या इज्जत की बात करते हैं आप? इतनी सी बात नहीं पता आपको कि इज्जत उसे दी जाती है जो दूसरों को इज्जत देना जानता है। और आज आपका ये रूप देखने के बाद आप क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मैं खुद ये नौकरी प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।